केतकी सिंह जीत का दावा। उत्तर प्रदेश बलिया जिले बांसडी विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन भाजपा व निषाद प्रत्याशी केतकी सिंह है 3 मार्च को मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में जनता का आभार व्यक्त किया। मतदान हुआ और जिस तरह महिलाएं चाहे बुजुर्ग चाहे जो भी हो बड़ी भारी संख्या में मतदान में हिस्सा ली और वोट डाल, इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं इनको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस तरह जनता ने इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया, जितने उत्साह के साथ मनाया और जितनी हिस्सेदारी पुरुषों की थी उतनी ही भागीदारी महिलाओं की भी थी, यह देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई और आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले चुनाव में हम इससे बेहतर और मतदान कर सकेंगे ताकि जो नींव है इस देश की लोकतंत्र की वह पूरी तरह से स्थापित हो सके। जी लगातार 20 दिन हर गांव में हर पूर्व में जो भी जहां भी गया वहां भी का चर्चा रहा। धन्यवाद, ये तो प्रेम है, जनता का प्रेम है। यह चुनाव मैंने कदापि नहीं लड़ा, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सभी को बताती हूँ कि यह चुनाव हमने नहीं लड़ा। मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे कौन किस गांव में कौन एजेंट बना, कैसे लड़ाई शुरू हुई, कैसे लड़ाई ख़त्म भी हो गई कल। यह लड़ाई जनता ने लड़ी, अपने बल पे लड़ी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी और पूरे उत्साह और उमंग के साथ लड़ी। जी हम लोगों ने ऐसे ऐसे महिलाओं से पूछा जो कोई जानकारी उनको नहीं है, मैंने उनको एक ही नाम रहता केतकी, उनको कोई निशान नहीं रहता, फिर केतकी का नाम लेते रहते हैं हम लोग। ये तो देखिए ऐसे ही नहीं कहा जाता कि अगर आप सबसे बड़ा ईश्वर अगर कहीं है तो खुद मनुष्य है, सबसे बड़ा ईश्वर है वो। आपको सेवा करनी है तो आप मनुष्य की सेवा कीजिए और मैंने 15 वर्ष यही किए, मैंने मनुष्य में ही ईश्वर को देखने का प्रयास किया, सबसे मिलने का प्रयास किया, सबको अपनाने का प्रयास किया और खुद को उनके प्रति समर्पित करने का प्रयास किया। शायद यही है कि आज गांव की महिला किसी भी बिरादरी की क्यों ना हो वह मुझे अपनी बहन मानती है, रिलेट करती है और उसको एक ये उम्मीद है कि जिस दिन केतकी सिंह विधायक बनेंगी उस दिन हम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होगा। ये तो कल का एक जो अनुमानते हैं मीडिया लगाई है वहाँ अनुमानते हैं आपके इस विधानसभा में लोगों को भाव से अपनाया जाए तो आप ये चुनाव जीत चुकी हैं। ईश्वर करे आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा ही हो, जो भी मिठाई आपको पसंद हो आप वो खाएं और ये होने भी वाला है। मुझे अपने पे नहीं पर अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने क्षेत्र की जनता पे पूरा भरोसा है। पिछली बार निर्दल प्रत्याशी को उस क्षेत्र की जनता ने जिता दिया था, थोड़े से मतों के लिए हम रह गए, जनता ने तो जिता दिया था, तो इस बार तो सब कुछ था, अब वो क्यों रुकेगी, अब किसके लिए इंतजार करेगी। गाजे बाजे के साथ हमको लेकर आ रही है और उतने ही गाजे बाजे के साथ माननीय मंत्री जी की विदाई कर रही है।